तो सारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबको बिठा के दिखाते हैं कितने स्पेस। देखो इतने लोग बैठ चुके हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 भी आ सकते हैं, स्पेस है यहाँ पर। तो 11 लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं बड़े बड़े। तो सोच लो छोटे बच्चे 15 तो आराम से, 15 तो आराम से बैठ जाएंगे। अगर आपको और ठूसना है तो 18 तक भी आप ले जा सकते हो। तो स्पेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल इसमें अगर बात करें तो 1500 वॉट का मोटर लगा है, ठीक है। ये इसका काम है कि अगर आप कोई स्कूल में, ठीक है, ये झांसी जा रहा है, झांसी के किसी स्कूल में बच्चों को लेने ले जाने के लिए यहाँ पर क्या स्पेस है वो दिखाता है, जो कि मेन इसका यूएसपी पॉइंट है। ये देखिए कि लगभग अंदाज़ा है 15 बच्चे बैठ जाएंगे, लेकिन 12 भी आराम से यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो यहाँ नीचे देखिए, बैठने के नीचे यहाँ पे स्कूल बैग रखने के जो स्पेस है वो भी यहाँ पे मिल रहा है। ज़्यादातर लोडर आप देखोगे तो ईवा कंपनी के चल रहे हैं, क्योंकि ईवा मजबूती पे काम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशु कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इलेक्ट्रिक इंडिया EV28। और आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नया ऑटो लेके, नया ई रिक्शा लेके आपके सामने। ईवा कंपनी का ये ई रिक्शा है, और जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बहुत ई रिक्शे ईवा के दिखाए हैं, जिसमें आपको ऑटो डिज़ाइन में है, आपको अलग अलग बहुत सारे हैं, मतलब ऑटो डिज़ाइन में है, शोडा शॉप है, फिर अगर बात करूँ रेडी शॉप है, फास्ट फूड शॉप है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं, सारी चीज़ें ईवा पर मिल रही हैं, जो कहीं नहीं। मैंने आप इतने सारे रिक्शा का रिव्यू किया, इतनी सारी रिक्शा कंपनी का रिव्यू किया, लेकिन एक ईवा ही कंपनी है जो हर वो ई रिक्शा के प्रोडक्ट बना रही है जो ई रिक्शा में बन सकता है, चाहे वो सोडा शॉप हो, चाहे वो आपको फास्ट फूड शॉप हो, चाहे सरियड होने वाला हो, जो आपके दिमाग में हो। क्योंकि इन पर कंट्रोलर का जो वैरायटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो हर अपने हिसाब से दिमाग के अपने हिसाब से जो भी आप मांगते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो ऑटो है ये जा रहा है झांसी, ठीक है, तो बात करते हैं, चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, ये जो ऑटो है ये जा रहा है झांसी। तो अगर आपको पैन इंडिया, पूरे इंडिया में कहीं पर भी अगर ये रिक्शा लेना है, नया बनाना है, कुछ मॉडर्न बनाना है, कुछ अपने दिमाग में आपको आ रहा है कि ये बन सकता है, हाँ वो बन सकता है, तो आप उसको यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं बता दूँ फीचर्स, बेसिक फीचर्स जो है इसमें। यहाँ पर आपको अंदर और बाहर दोनों में आपको LED लाइट मिल रही है। यहाँ पर आपको मेन जो NY+ का होता है वो यहाँ पर मडगार्ड मिल रहा है, और हैवी जो टायर हैं वो हैवी मिल रहे हैं, 43 mm के शॉकर मिल रहे हैं। उसके अलावा इधर आइए आप, यहाँ पे आपको डिजिटल, यहाँ पे आपको एनालॉग मीटर मिल रहा है, लेकिन अगर आपको डिजिटल मीटर लगवाना है तो आपके हिसाब से डिजिटल मीटर भी यहाँ पे लग जाएगा पूरा ये, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बेसिक बैठने का जो होता है, ये मजबूती देख लीजिए, जो प्रॉपर गार्टर में लगता है, जो ऊपर मैंने कितनी पहले भी इसकी मजबूती के बारे में हमारी बात हुई है, तो ऊपर जो गार्टर, जो क्रेन ऊपर जो आप शेड बिछवाते हैं लोहे के, उसमें गार्टर लगता है, उसमें ये काम आता है। तो ये पूरा चीज़ उसमें का ऊपर से हैवी ब्रेकिंग सिस्टम है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिल रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर हैंड ब्रेक यहाँ पे आपको मिल रहा है। स्टेपनी के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, स्टेपनी पीछे दे देते हैं, तो पीछे में आपको होता क्या है कि स्पेस में दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पर साइड में दे रखा है। साइड से देने में फ़ायदा ये है, एक तो प्रोटेक्शन मिलती है वो अलग चीज़ है, स्टेपनी का स्टेपनी होगा, प्रोटेक्शन का प्रोटेक्शन होगा, तो दोनों चीज़ आपको यहाँ मिल रही है। म्यूज़िक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे अलग जगह पे ऊपर म्यूज़िक सिस्टम मिल रहा है। अच्छा, ईवा की मैं बात करूँ तो ईवा हमेशा ये काम करता है कि नॉर्मल जो हर कोई कर रहा है वो नहीं करता, जनरली आपको यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर कुछ ई रिक्शा में ईवा का यहाँ पर भी लगा है, कुछ में यहाँ पर भी लगा है, और इसमें आपको यहाँ पर मिले, तो अलग अलग जगह आपको वो लगा के देगा। नॉर्मल बेसिक आपको थ्रोटल है, फॉरवर्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, NY+ के यहाँ पर थ्रोटल दे रखे हैं। यहाँ पर उसको खोलते हैं, तो खोलने के बाद ये देखिए, यहाँ पर आपको नॉर्मल जैक नहीं मिल रहा है, हैवी जो जैक होता है वो यहाँ पर मिल रहा है, जैक के साथ पूरा ये एक्सेसरीज में। अगर आप साइड मिरर की बात करें तो साइड मिरर मिल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम बंद करके इसको खोलेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको कंट्रोलर कन्वर्टर का पूरा जो है सिस्टम मिल रहा है, ठीक है।
फिलहाल इसमें अगर बात करें तो 1500 वॉट का मोटर लगा है, ठीक है। अगर 1500 वॉट का मोटर आपको ज़्यादा करना है, ज़्यादा लगाना है, तो आप ले सकते हैं। अच्छा, मेन इसका काम क्या है? ये इसका काम है कि अगर आप कोई स्कूल में, ठीक है, ये झांसी जा रहा है, झांसी के किसी स्कूल में बच्चों को लेने ले जाने के लिए यहाँ पर क्या क्या स्पेस है वो दिखाता है, जो कि मेन इसका यूएसपी पॉइंट है। ये देखिए, सबसे पहले आप इधर आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डिज़ाइन मिल रहा है, ठीक है, प्रॉपर डिज़ाइन मिल रहा है। इधर आइए और ये देखिए, यहाँ पर इसको मैं खोल देता हूँ। खोलने के बाद ऐसे बच्चों को बोलिए, हमने खोल दिया है इसको पूरा, ऐसे यहाँ पे पैर रखा, पैर रख के हम यहाँ पर चले गए, ठीक है, पैर लगा के हम यहाँ पे बैठ गए। और ये देखिए, अब इसमें स्पेस कितना है, ये क्योंकि मैं बड़ा बच्चा हूँ, मैं बड़ा हूँ तो मेरे को, मेरे लिए नहीं बना है, जाहिर सी बात है मेरे लिए नहीं बना है। आप अगर मेरे लिए बड़े, मतलब बड़े लोगों के लिए बनवाना होगा तो उसके लिए बन जाएगा, लेकिन फिलहाल ये छोटे बच्चों के लिए मिला। अगर मैं बात करूँ 5वीं क्लास या 6ठी क्लास से नीचे नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए बना है। और अगर स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लगभग कहा जा रहा है कि 15 बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। अगर यहाँ पर बैठ जाता है, काम करता हूँ, हाँ यहाँ मैं बैठ गया, यहाँ पे पूरे क्योंकि मेरी हाइट ठीक ठाक है। और बड़े बच्चों के लिए मैं पहले कह रहा हूँ, बड़े बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए है, चूजे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे 15 बच्चे उनके हिसाब से बैठ जाएंगे, बड़े बैठाएंगे तो जाहिर सी बात है कम आएंगे, लेकिन क्योंकि अगर ये देखिए इस, ये कितने, इसको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये सारे यहाँ पर जो आपके लगभग अंदाज़ा है 15 बच्चे बैठ जाएंगे, लेकिन 12 भी आराम से यहाँ पर बैठ जाएंगे। उसके अलावा इसको देखिए, चारों तरफ से पूरा कवर रखा गया, मतलब जाली रखी गई है। अब जाली से क्या होता है कि खुला भी रहेगा और कवर भी रहेगा, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की आदत होती है बाहर हाथ करना, तो क्योंकि जाली है उसकी वजह से ये बाहर बाहर हाथ नहीं करेंगे, तो सेफ प्रोटेक्शन सब इसको उनको मिलता रहेगा। बाकी यहाँ पे अगर उनको स्कूल बैग रखने हैं तो यहाँ नीचे देखिए, बैठने के नीचे यहाँ पे स्कूल बैग रखने के जो स्पेस है वो भी यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह का नए नए मॉडल, नए नए डिज़ाइन, नए नए चीज़ें यहाँ ये बनाते रहते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें अगर आपको कोई और, मान लो अगर और चेंज करवाना है, आपको ऐसा ही लेना है लेकिन कुछ चेंज करा के, तो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पकड़ने के लिए छोटे बच्चों के लिए दे रखा है, ऐसे आप नीचे भी पकड़ सकते हैं, ये भी पकड़ने का हुआ है, तो सारी चीज़ें छोटे बच्चों के लिए ऑप्शन मिला है, तो यहाँ पर आराम से। और इसको देखिए, अब है क्या, मैंने यहाँ बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बच्चों को बिठाया, बच्चों को बिठाने के बाद मैंने यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लॉक कर दिया। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे ताला भी लगा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें आपने कर ली, ठीक है। तो अलग अलग इसमें बच्चे यहाँ पे पैर रखने के लिए भी ऑप्शन है, और मजबूत है ये, अच्छा खासा मजबूत है कि अगर छोटे छोटे बच्चे जाने तो आराम से यहाँ पे काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये पूरा ई ऑटो है, ईवा कंपनी का ई ऑटो है। ये जो ईवा कंपनी का है, ये आपको जा रहा है झांसी, दिल्ली में नहीं है, झांसी का है, तो झांसी में जा रहा है। अगर आपको दिल्ली में चाहिए तो दिल्ली में ही बना सकते हैं, लोकल में चलाना है लोकल में बना सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा और कोई डिज़ाइन चाहिए, अगर आपको ऑटो डिज़ाइन चाहिए, सोडा शॉप चाहिए, फास्ट फूड शॉप चाहिए, तो जिस तरह का भी आपको चाहिए उस तरह का यहाँ पे बना के दे दिया जाएगा। वीडियो के नीचे नंबर आ रहा है, नंबर आपको बिल्कुल स्लाइड हो रहा है नीचे, अगर आपको इस तरह का बनाना है, अगर ये सेम टू सेम लेके जाना है, जाहिर सी बात है कॉल करिए, सोडा शॉप चाहिए तो कॉल करिए, अगर आपको फास्ट फूड का कोई दुकान खोलनी तो कॉल करिए, लोडर नॉर्मल लोडर चाहिए। अच्छा, नॉर्मल लोडर में भी बाकी कंपनी के मुकाबले इसमें आपको हैवी लोडर मिलेगा, मजबूती के साथ मिलेगा, क्योंकि दिल्ली की भी बात करें, दिल्ली में ई रिक्शा तो बहुत कंपनी के चल रहे हैं, लेकिन लोडर सिर्फ, ज़्यादातर लोडर आप देखोगे तो ईवा कंपनी के चल रहे हैं, क्योंकि ईवा मजबूती पर काम अच्छा खासा कर रहा है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर ईवा के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के नीचे नंबर आ रहा है, कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।